इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज जवानी, ये पार्ट टू हम वीडियो लाए हैं और इसमें हम दिखाएंगे आपको कि अल्टरनेटर कितने वोल्टेज बना रहा है और ये कितने वोल्टेज पे चलता है, बैटरी कितने वोल्टेज आ रहे हैं, हम किस तरीके से चेक करें मल्टीमीटर से, कैलोमीटर से देखें। एक तरह हमने प्लस पे लगाया, एक बॉडी पे लगाया, तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 14 वोल्टेज दे रहा है ये, 14 वोल्टेज देगा जो भी बैटरी को चार्ज करेगा, उससे कम होगा तो बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो वोल्टेज तो पूरे निकाल रहा है, पर ये इसकी जो कट है, कट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछली वीडियो हमने दिखाया था आपको इसके कनेक्शन करके कि किस तरीके से कनेक्शन में और चार्जिंग की लाइट बननी हुई थी, तो अल्टरनेटर की जो कट प्लेट है उसमें दिक्कत है, इसको हमें खोल के रिपेयर करानी पड़ेगी। ये देखें, बल्ब जलने की समस्या थी, वो क्यों नहीं जलनी, तो वही इसीलिए हम इसमें आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये देखिए, मीटर की तरफ मीटर आपको 12 वोल्ट पे या आपको 24 वोल्ट पे सेट कर लेना है, इसमें डीसी वोल्ट होता है, तो डीसी वोल्ट पे 200 वोल्ट पे मीटर पे हमने सेट कर रखा है और इसको हम लगा के देख रहे हैं। तो ये देखे यहाँ पे किस तरीके से बोल रहा है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो हमारे 14 वोल्ट आने चाहिए, तो 14 आ रहे हैं, पर इसमें कभी कभी कट काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से ये हमारा बल्ब बंद नहीं हो रहा और ये ज़्यादा बैटरी फुला रहा होगा और बैटरी फाट भी सकता है, मतलब लगी रहेगी तो बैटरी गर्म होकर हीट होकर अर्जेंटर लंबे टाइम तक चलेगा तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो इसकी हम कट प्लेट डलवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हम इसमें तार हटा देते हैं बैटरी चार्जर के और खाली अल्टरनेटर घूमता है तो हमारे 60-61 वोल्टेज दिखाता है, और 60-61 वोल्टेज में मतलब बिना लोड के, लोड पर जब पड़ता है इस पर बैटरी चार्ज लगा देते हैं तो लोड पड़ने पे 14-15 वोल्टेज बच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसमें तार हटाने पर 61 वोल्टेज बनाता है ये, और बैटरी चार्ज लगाने पर तो 14-15 वोल्ट ऐसे दिखाता है, तो इसी तरीके से सही दिखा रहा है। पर इसमें क्या हो रहा है कि ये कटर नहीं मार रहा है, तो कट इसका हम चेक करवाते हैं खुलवा के, तो इसका अल्टरनेटर हम खोलना पड़ेगा और हम वायरिंग द्वारा चेक कर लेते हैं, कोई वायरिंग में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि वायरिंग में इसमें हमने इधर टेप लगा दी है। और यह देखें, इसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इससे कनेक्शन कैसे हैं, ये डीजी को ऑटोमेटिक बंद कर देता है, लाइट आती है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ये, तो ये उसका ग्रह है। इसके कनेक्शन मैंने बताए थे कि 2 बिजली के जा रहे हैं इसमें और 3 इसमें जनरेटर में जा रहे हैं, 2 स्टॉपर में जा रहे हैं, 1 बॉडी अर्थिंग में जा रहा है, ठीक है ना। मैं दोबारा आपको कंफर्म करा दिया, तो देख सकते हैं, कभी आपको मिले तो आप सोचोगे कैसे करना है। तो ये देखें, ये 16-17 का पाना है और इस पाने से हम इसे खोल लेते हैं। ये देखें, 1 बोल्ट ऊपर लगा रहता है और 1 नट बोल्ट नीचे लगे रहते हैं, नीचे वाले बोल्ट से टाइट होता है और ऊपर वाले से फिक्स रहता है। तो ये देखें,
किसी किसी में अलग बोल्ट भी लगा जाता है कोई, ज़्यादातर तो 16-17 का लगता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से खोल सकते हैं आप, और दोनों बोल्ट खोल के बेल्ट ढीली हो जाएगी, बेल्ट आराम से निकल जाएगी। तो इसको हम करा के लाते हैं और इसे खोलते हैं पूरा, आप देख सकते हैं किस तरीके से खुल रहा है। तो इसे आप देखें, तो ये देखें ये थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो इसे हम आराम से खोलते हैं। तो इसे इसी तरीके से आप पानी से खोलें, क्योंकि ये खुल नहीं रहा है तो पानी से खोलना पड़ेगा। तो देखें किस तरीके से खोल लें। दोस्तों ये देखें, ये हमने इसे खोल दिया है, अब इसको हम रिपेयर करा के लाते हैं और उसकी भी हम आपको पार्ट 3 में इसकी वीडियो दिखा देंगे कि किस तरीके से उन्होंने खोला और क्या डाला, वो भी आपको देखे टाइम मिला तो वो भी दिखा देंगे। तो इसका अल्टरनेटर में कट, मेरे ख्याल से जो कट रिले होती है वो कट नहीं कर रही है, उसकी वजह से दिक्कत कर रही है।